इस आवाज को सुनकर ही लोगों की आत्मा बाहर निकल गई थी। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इसे हेडफोन लगाकर ना सुने। साल 1883 सुबह 10:02 पर इंडोनेशिया के क्रैकाटोआ आइलैंड से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और आवाज आते ही आइलैंड का 70% हिस्सा तबाह हो गया। समुद्र में 150 फीट ऊंची सुनामी की लहरें बन गई, बड़े बड़े जहाज तबाह हो गए और आइलैंड के आसपास मौजूद हर जिंदा चीज मुर्दा बन गई। ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर दूर मौजूद लोगों ने भी उसे सुना और उन्हें तो लगा कि कयामत आ चुकी है। दरअसल ये आइलैंड पर मौजूद एक वोल्केनो के इरप्शन का साउंड था, जिससे 310 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो ये आवाज थी। तो कैसी लगी ये आवाज?